आसंता 15 तारीख में उज्बेकिस्तान गस्तरे जिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेठारे दुई दिन धरी अनुष्ठित होबाकु थिबा सांघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में पीएम जोगदेवार कार्यक्रम रही। बैठक में दुई दशंधि धरी एसईओर विभिन्न कार्यधारा तथा भविष्य में बहुविध सहयोग संभावना संपर्क में समीक्षा कराड़ा विभिन्न गुरुत्वपूर्ण आंचलिक एवं विश्वस्तरीय प्रसंगगुड़िक आलोचना हो। गस्त समय प्रधानमंत्री विभिन्न राष्ट्र मुख्यों द्विपाक्षिक आलोचना करम रही। प्रधानमंत्री मोदी समेत यह सम्मेलन में चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग, रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान प्रधानमंत्री शेहबाज शरीफ प्रमुख जोगदेवे जमापड़। मुझे लग रहा है कि पुतिन साहब से तो मुलाकात होगी ही, क्योंकि अभी उनके साथ व्लादिवोस्टोक में पीएम ने मैसेज भेजा था। बहुत अच्छी स्पीच उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने दी थी व्लादिवोस्टोक में कुछ दिन पहले, तो हो सकता है उनसे भी मुलाकात हो। बाकी सेंट्रल एशियंस के साथ तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से मुलाकात होनी चाहिए, संभावना है पूरी, और ईरान के साथ भी, क्योंकि ईरान जो है पहली बार प्रेसिडेंट के स्तर पर मौजूद रहेगा, तो ईरान के साथ भी हमारे संबंध बहुत ज़्यादा आज की तारीख में सिग्निफिकेंट अफगानिस्तान की वजह से हो गए, चाबहार पोर्ट की वजह से हो गए, और जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो ईरान के थ्रू जाता है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। जी, हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान के साथ हमारे संबंध वैसे ही बहुत पुराने हैं, सिविलाइजेशनल हैं, लेकिन क्योंकि ये सब हो चुका है अफगानिस्तान में, यूक्रेन में, तो ईरान का जो, और एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑयल एंड गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान के साथ हमारे संबंध जो हैं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुके हैं।